नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएसके। आप देख रहे हैं डीएसके रॉक्स। देखिए, इस वीडियो में आज मैं ऐसे ऐसे शब्द यूज कर सकता हूं जो शायद आपको सुनने में अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मेरे गुर्दे पूरी तरह से छिल चुके हैं। तो मैं तो आज गुर्दे छील करूंगा। सब भोसड़ी के जो माँ शब्द बीच में आ जाता ना, बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है मेरे लिए। ये बिग बॉस इन सबके बाप का घर बना रखा है भोसड़ी के लोगों ने। जिस हद तक दोगलापंती हरामखोरी और इन हरामखोरों के भोसड़ी वालों के बाप का घर है ना ये बिग बॉस। और बिग बॉस भी आंख पर पता नहीं किसी गधे का डालकर अंधा होकर बैठ गया। मुंह में पता नहीं क्या भर रखा है इसने कि बिग बॉस की आंख में भी मोतियाबिंद हो चुका। उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि घर में चोरी हो रही है, शक्कर दूध सब चुराया जा रहा है, छुपा छुपा के रखा जा रहा है। बाप का घर है ना, जूते में रखकर जूते में खाने पीने का सामान छुपाया जाता है। ये समझदारी भोसड़ी का कोबरा ही कर सकता है। उसके माँ बाप ने शायद उसको यही सिखाया होगा कि खाने पीने की चीजें जूते में ज्यादा रखो, बड़ा अच्छा आता है। साले कमोड़ में जाके छुपा देना, कमोड़ में से निकाल ले, रात का हागा हुआ कमोड़ भी जाता है ना, निकाल के खा लिया करो ना। ऐसे ऐसे नमूनों को बिग बॉस में लाके रखा हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आपने देखा ये एपिसोड, इस एपिसोड में मर्यादा की जो लिमिट होती है ना, तमीज की, तहजीब के जो दायरे होते हैं, वो इस कोबरा फैमिली ने तार तार करके रख दिए। बड़े वाल वाला छक्का, ये करने की औकात है बस इसकी। श्रीशंत के ऊपर कैसे चढ़ के आया था कि तूने सॉरी किया से, तेरा सॉरी बोलने का अंदाज क्या था, तूने इतना भद्दा वर्ड बोला है, कैरेक्टरलेस, तेरी की गांड मर गई थी जब उसके सामने कैसे नुमा बोला गया था। कौन सी जगह गांड मारने के लिए गया था भोसड़ी के, है? तब तुझे नहीं दिखाई दिया था कि कैसे नुमा बोला जा रहा है, इतना भद्दा वर्ड बोल दिया तूने, कैसे बोल सकते? तेरी लिए रिस्पेक्ट थी, मन में उड़ गई। अबे चूतिया, तेरे लिए जिंदगी में कभी कोई रिस्पेक्ट कर भी नहीं सकता। तू अपने आप को देख जाके, श्रीशंत का श्रीशंत देख लेगा। बड़ा आया है श्रीशंत को रिस्पेक्ट का ज्ञान सिखाने के लिए। और वो सत्य की मूर्ति देवी, इस एपिसोड के स्टार्ट में देखा कैसी कैसी इंस्टिगेशन वाली बातें कर रही थी, मेरे मेरे भाई ना इसको पीट देंगे। हाँ वो तो हाथ बंद करके हाथ जोड़ करके आएगा ना कि आओ मुझे पेलो, मैं पिलने के लिए आया हूं। तुम्हारी तो मतलब औकात है नहीं छछुंदरों की। और बिग बॉस में पता नहीं ये भोसड़ी का बिग बॉस भी देख ही नहीं रहा है, घर में चोरी चकारी चल रही है, आधी आधी रात को लोगों को चिढ़ाया जा रहा है। जसलीन को मेगा के ऊपर पर्सनल कमेंट करने वाला, हाँ केवी उसने, हाँ ये केवी जगत पिता बन चुका है, जगत का बाप बन चुका है। साले नाजायज औलादें इसकी जगह जगह घूम रही हैं, अब दुनिया भर की औलादों का बाप बना फिर रहा है। उसको सुरभि के ऊपर जो वर्ड बोला गया उसके लिए गुर्दे छिल गए इसके, लेकिन जसलीन के लिए बोला गया तो अरे इग्नोर करो ना, अपनी थर्ड क्लास जुल्फ संभाल रहा है। केवी की ऐसी थर्ड क्लास सुअर, मरे हुए सुअर जैसी जब सूरत दिखाई देती है टीवी पर, तो भाई गुर्दे छिल जाते हैं बुरी तरह से। और उसके ऊपर ये तकलू, भैया मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, वोटिंग लाइन खुल चुकी है, इतने वोट करो मेघा को जसलीन को रोमिल को। ये टकलू ना, अब इसको देखने का मेरी सामर्थ्य की सीमा चली जा रही है। इसके मां बाप को बड़ा गर्व फील हो रहा होगा कि हमारा बेटा टीवी पर है, आपका बेटा चीनी चुराता है, दूध चुराता है, लोगों को भड़काता है। अब आज के एपिसोड में ये बात तो पता चल गई कि सलमान खान ने इसको अच्छे से सुनाया था जसलीन वाले कमेंट के ऊपर, लेकिन हमें दिखाया नहीं, क्योंकि क्योंकि भोसड़ी का बिग बॉस जो है ना, इनकी नाजायज औलादों को बचाने की कोशिश कर रहा है, उनकी हर गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें सब दिखाई दे रहा है। इतना बेशरम है ये, इतना हद दर्जे का बेशरम है ये कि इसने ना सीखने की कसम खा रखी है। और इसके माँ बाप वहां पे वोट अपील करते, हमारे बचवा को बचा लीजिएगा, हमारे बचवा को वोट दीजिएगा। अंकल जी आपको साक्षात कोटि कोटि प्रणाम है, लेकिन आपके बचवे की गौण पर लतिया मार के अगर उसे बिग बॉस से नहीं निकलवाए तो देख लीजिएगा, पब्लिक इतना वोट कीजिए कि मिडवी के इलेक्शन में टकला निकल जाए। क्योंकि इस टकले की हरकतें, इस टकले की बातें और थर्ड क्लास शक्ल देखकर ना चिड़ होने लग गई है कि यार बिग बॉस में ऐसे चूतियों को कैसे उठा के ले आए हैं। और इसको जितनी जल्दी निकल जाए ना उतना अच्छा है, क्योंकि उसके बाद हमें ये बंदा दोबारा देखने को मिलेगा नहीं। इसको मैं गारंटी से बोलता हूँ, इसको कहीं काम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे चूतियों लोगों को कोई काम देगा वो अखंड चूतिया ही कहलाएगा, क्योंकि ऐसे मक्कार लोगों को शायद जिंदगी में कहीं कोई काम मिलेगा भी नहीं, है ही नहीं, कारण इनकी लायकियत ही नहीं कि इनको कहीं को अपने दरवाजे पर खड़ा भी करे। इस एपिसोड में जिस तरह की गंदगी फैलाई गई है, इरिटेट किया गया है, इंस्टिगेट किया गया है, आई एम रियली श्योर कि आप सबको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा, आपके सबके मन से गालियां निकल रही होंगी। जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेल रही थी, कितना विक्टिम कार्ड खेला इसने सुरभि ने, सुबह सुबह बोल रही थी मैं तो उसको ऐसे करूंगी, बोतल फेंक के मार दो उसके सर पे, ये सब कोई नहीं देखेगा। और ड्रामा देखू मम्मा की जेल, बच्चे को कैरेक्टरलेस बोल दिया। अरे तुझे कैरेक्टरलेस क्या, अरे कैरेक्टरलेस तुझे मैं तो सब कुछ ही लेस, और वो पप्पा तेरे, हाँ नहीं 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 कोई बात नहीं, कर्मा मिलेगा। अरे केवी तुम बाहर तो आओ बिग बॉस से, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा कर्मा तो बाहर ही वेट कर रहा है। सुचांती
सुशांति को तो, अच्छा सुशांति से याद आया मुझे कि आज अफवाह चल रही है, प्रोमो में भी दिखाया गया कि श्रीशा ने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ नहीं मारा है, गाल से ऐसे करके उसको हड़काया है। और कई लोग जो जश्न मना रहे थे कि श्रीशांत बिग बॉस से निकल गया, अब चूतियों ख्यालों की दुनिया से निकल कर औकात में आ जाओ अपनी, श्रीशांत है तो बिग बॉस 12 चलेगा। श्रीशांत अगर शो से गया ना, कोई कुत्ता नहीं पूछेगा बिग बॉस 12 को, आप ये लिख के ले लो। ये सुशांति जो कि फुस्सी बम था, एक कॉलर ने ऐसी ऐसी गांड मारी कि भोसड़ी का खूब उछल उछल के कूद रहा है, दुनिया भर में हरकतें कर रहा है। और किस तरह इसने जसलीन के ऊपर कमेंट किए, मेघा पे कमेंट किए, जगत पिता केवी उसके गुर्दे तब नहीं चले, उसे तब नहीं दिखा कि यार ये बदतमीजी कर रहा है, लिमिट के पार जा रहा है, तब नहीं देखा कि इसी लड़की के ऊपर मजाक कर रहे हैं, फप्तियां कस रहे हैं, दुनिया भर का यू नो इंस्टिगेट कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पर जाकर उसकी आवाज का मजाक उड़ा रहे हैं। ये होते कौन है, ये सुशांति, दीपक ठाकुर, ये सुरभि, ये होते कौन है? क्या इनके बाप का घर है कि ये लोग डिसाइड करेंगे कि राशन कब देना है, कितना देना है, कहाँ छुपाना है, कैसे कर रहे हैं? ये लोग होते कौन है डिसाइड करने वाले कि तू तू इस वीकेंड पर चली जाएगी? क्या इनके बाप का घर है? क्या इनके बाप ने डिसाइड करके रखा है कि वहां पर कौन रहेगा, कितना खाएगा? इनको तो जितनी गाली दे जन उतना कम है। यहां पर एक चीज और मैं यहां कहना चाहूंगा, दीपिका और रोमिल, इनको आज महान बनने का कीड़ा काट गया, लग गए श्रीशांत को कि जाके सॉरी बोलो। क्यों बोले सॉरी, जब पूरे देश के सामने, सलमान के सामने श्रीशांत ने एक नहीं तीन चार बार सॉरी बोला, क्या वो काफी नहीं था? क्या सुरभि राणा एक बार भी आई कि श्री मैंने आपको कैसे नोवा बोला, बहुत कुछ बोला, मैं दिल से माफी चाहती हूँ, ऐसा है वैसा है, मैंने इंटेंशनल में नहीं कहा, ये नहीं कहा। तुम बोलो तो अनइंटेंशनल है, तुम बोलो तो सब चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूं। अरे मैं तो सती सावित्री हूं ना भैया, मेरे तो चरण धो धोकर तुम पानी पियो, मैं पाक साफ हूं, मैं कभी किसी को गाली नहीं देती। लेकिन सामने वाला अगर कुछ भी बोलेगा तो वो इंटेंशन के साथ बोल रहा है, हम बोलेंगे तो इंटेंशन के साथ नहीं है। आई कैसे थी वहां केवी को समझाने, अरे बस 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 बहुत हो गया, मैं आपको नहीं बोलूंगी, आप मुझे मत बोलना, और बाद में शुरू हो गई। नहीं वे दीपिका गलत थी, रोमिल सरासर गलत थे, कोई जरूरत नहीं थी श्रीशांत, जबकि यू नो सबने देखा बंदे ने वॉशरूम में बंद कर लिया खुद को, दीवार पे सर मार रहा है। सलमान खान ने जबरदस्ती में अनफेयर तरीके से श्रीशांत को ही ग्रिल किया, और सुरभि को ग्रिल किया, दीपक को ग्रिल किया, वो तो हमें दिखाया नहीं क्योंकि बिग बॉस अपने बच्चों को बचा जो रहा है भोसड़ी। श्रीशांत की सारी चीजें दिखाएंगे, श्रीशांत की सारी चीजों पर हाईलाइट करेंगे, लेकिन अपने बच्चों की गंदगी को, फिर चाहे वो कल संडे की वीकेंड वार में जो सुरभि को गोल चक्कर पर घुमा कर उस पर बलूज मारे थे वो छुपा दिया, वो एडिट में हटा दिया, संडे के एपिसोड में दीपक को ग्रिल किया वो हटा लिया, सुरभि की तो अच्छी खासी क्लास थी वो पूरी एडिट कर दी। तो साबित क्या करना चाहता है बिग बॉस? बिग बॉस यही साबित करना चाहता है कि मेरे नाजायज बच्चे हैं, मेरी मेरी आंख चली गई थी किसी औरत से लड़ने, तो वहां से ये बच्चे पैदा हो गए। तो यहां पर सरासर गलत मानूंगा मैं दीपिका को, रोमिल को, क्योंकि अच्छा खासा जब ये इश्यू सॉर्ट आउट हो चुका था, इस बारे में सलमान खान क्लेरिफिकेशन दे चुके थे, श्रीशांत ओपनली सबसे सबके देश के सामने माफी मांग चुके थे, तो यहां पर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, यहां पर आग में घी डालने की कोशिश की गई। मैं तो इसको ऐसे देखूंगा, क्योंकि वो मैटर जो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है उसके लिए जाके सॉरी बोलना, और बाद में जिस तरह का रिएक्शन दिया है केवी ने और सोमी, सोमी को तो पता नहीं किस सुलेमानी कीड़े ने काट लिया है। ये कौन होती है डिसाइड करने वाली कि श्रीशांत ने सॉरी ऐसे बोला वैसे बोला, तुमको क्या मतलब है? तुम क्यों आधी रोटी पे दाल लेके चली आ रही हो? तुम तो ऐसे बात करती हो कि श्रीशांत ने ऐसा बोला, बैड वर्ड बोला, वहां रोमिल की कानाफूसी कर रही थी। खुद सोमी तुमने शिवाशीष को क्या क्या बोला था, छक्का तक बोल दिया था। तुम तो अपने मुंह से बात ही मत करो कि तुमने तो कैसे कैसे वर्ड यूज किए हैं दूसरों के लिए। आज जसलीन के लिए देखा इसके मन में कितनी जेलसी थी, इसके मन में रोमिल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और जरूर है, और खुद में दो पैसे की औकात नहीं है, दो पैसे का दिमाग नहीं है, दूसरों के मैटर में फटे में टांगड़ा देती है, और वह कोबरा फैमिली के प्रति कितनी लॉयल है सबको दिखाई दे रहा है। दिल रोमिल के ऊपर है इसका, लेकिन बैठेगी वह रोहित के साथ अपना कमरिया चिपका कर और देखेगी रोमिल को, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है किसका चरित्र कैसा है। एंड उसके बाद अगर चरित्र के ऊपर बात आ जाए तो इन सबके गुर्दे छिलकर लाल हो जाते हैं कि बताओ हमारे कैरेक्टर पर सवाल कर दिया, मतलब जो दिख रहा है हम उसके ऊपर बात करें तो हम दोषी हो जाएंगे, लेकिन तुम जो हरकतें कर रहे हो वो तुम्हारा पूरा हक है, वो तुम्हारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गई भुइया के खेत में। इस एपिसोड में और कुछ भी नहीं हुआ है, खाने पीने के सामान की चोरी हुई है, हद दर्जे की बदतमीजियां हुई हैं, श्रीशांत को जबरदस्ती में वो बंदा सोने की कोशिश कर रहा है, तुम जबरदस्ती में महान बनने के चक्कर में अच्छा खासा तुमने केवी और परिवार को मौका दे दिया जबरदस्ती में दिमाग खराब करने का, आग में घी डालने का, और उनको तो ये मौका चाहिए। लेकिन कहते ना कर्मा, तुमने श्रीशांत को उठाया, तुमने श्रीशांत से सॉरी वगैरह बोलवाया, लो अब रोमिल तुम्हारे खुद के पीछे पड़ गए। और जिस तरह से रोहित, दीपक, सुरभि और वो ब्राह्मण इरिटेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं देश की जनता, आपको सब दिखाई दे रहा है, ऐसे घटिया लोगों को
जितना जल्दी हो सके शो से बाहर निकलवा दीजिए। इस वीक भर भर के वोट कीजिए। मुझे पता है डबल इविक्शन है, जसलीन के चांसेस हैं, लेकिन इस टकले को कोई वोट मत दो। जितने भी टकले के सपोर्टर आएंगे मेरे वीडियो में कमेंट करना, सबको सिरे से ब्लॉक कर दूंगा मैं, क्योंकि आते हैं कई लोग ज्ञान देने मुझे। तो भैया इस टकलू को जितना जल्दी हो सके ना बिग बॉस से बाहर निकलवाओ। आपके वोट मेघा को दो, रोमिल को दो, जसलीन को दो, लेकिन टकले को बिल्कुल मत देना। ओपनली बोल रहा हूँ, टकले को वोट मत देना। उखाड़ लो जो उखाड़ना, जिसको उखाड़ना। एनीवे बहुत सारी भड़ास थी, वो शायद अब मेरी निकल गई। कल के एपिसोड में प्राइज मनी वापस लाने वाला टास्क होगा। प्रोमो हमने देख ही लिया, जहां पर की काफी इरिटेट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, श्रीशन को फटीचर बोल रहा है, ये चुचांती जिसकी खुद की कोई औकात और खुद की हैसियत है नहीं, अपने बूते इसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, वो तो विकास गुप्ता का चटोरा है जिसलिए विकास गुप्ता ने उसको वहां शो में भेज दिया है। फुस्ती बम है, सिर्फ और सिर्फ पीठ पीछे बकचोदी कर सकता है, खुलकर चौड़े में आकर खेलने की इसकी औकात कभी थी नहीं और ना कभी होगी। केवी महान बनते बनते चूतिया बनकर रह गया शो के अंदर, और इस चूतियों को भी अखंड चूतिया पर मिलेगा जब ये शो से बाहर निकल के जाएगा। सुरभि राणा, इसके बारे में जितनी बातें कम करूं उतना अच्छा है। सोमी के बारे में क्या बोलूं, घटिया बदतमीज, ये दोनों वर्ड इसके ऊपर परफेक्ट फिट होते हैं। ये दूसरों को बोलती है घटिया बदतमीज, एक्चुअली में ये खुद है अव्वल नंबर की घटिया बदतमीज। इसका पूरा घटिया दोगला गेम हमें दिखाई दे रहा है। सुरभि को कैरेक्टरलेस बोलती है तो इसके गुर्दे छिल गए, लेकिन इसकी आंख के सामने जसलीन को, मेघा को, ये चुचांती और ये चूतिया दीपक कितना इरिटेट कर रहे थे, और चुचांती ने तो दुनिया भर की पर्सनल कमेंट भी कर डाले इसके ऊपर, उसकी आवाज की नकल कर दी। तो ऐसे मत बोलो प्लीज, ओ प्लीज ऐसे मत बोलो। लेकिन जब श्रीशंत सॉरी बोलने आए थे, दिस इज हाउ यू विल से सॉरी, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन, ओ माय गॉड, श्रीशंत हो गए अपने घर के, ऐसे थोड़ी ना सॉरी बोल सकते हैं। तो क्या सॉरी बोलने के लिए, तुमसे खत लिखवाएंगे, आओ सोमी लिख दो लिपस्टिक से। मतलब ये सोमी हुई, चौचांती हुई, इन लोगों का क्या है कि दमखम कुछ है नहीं, ये सिर्फ मुंह से हग सकते हैं। शायद पिछवाड़े में भगवान ने इनको हगने की क्षमता बंद कर दी होगी। हाँ, गुप्ता के यहाँ था ना ये, तो चुचांती तो हो सकता है भाई, मुंह से ही सब कुछ करता हो। anyway, इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। बहुत ज्यादा मैंने आज शायद भड़ास निकाल दी है अपनी, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, माफी चाहूंगा। और एक और बात, अब इतनी भड़ास निकाली है तो जाहिर तौर पर कई पावरफुल लोगों के गुर्दे तो छिले होंगे, तो हो सकता है वीडियो को रिपोर्ट कराने की भी कोशिश करें। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज ध्यान रखिएगा, वो रिपोर्ट वीडियो को करा सकते हैं, डीएसके को नहीं करा सकते। हम तो इनके गुर्दे छील छील कर खत्म करके रहेंगे, ठीक है। आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए डीएसके टॉक्स को। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम ये गारंटी देते हैं कि टुच्चे थर्ड क्लास साले हरामखोर लोगों के गुर्दे छीलने का काम बदस्तूर जारी रखेंगे हम आपके सपोर्ट के साथ। आपके सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं है तो मेरे खुद के गुर्दे छिल जाएंगे। तो ठीक है, मेरे गुर्दों को छिलने से बचाइए, सपोर्ट करते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए डीएसके टॉक्स को। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।